खबर समस्तीपुर से है, जहां के मोहितदीन नगर के श्री राम जानकी ठाकुर मंदिर में श्री शंकर प्रतिष्ठान के सौजन्य से विश्व वैदिक धर्म संघ भारत के तत्वावधान में सावन मास विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत महारुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शंकर श्री की प्रोपराइटर विनोद चौधरी, उनके सुपुत्र मनीष कुमार ने जलाभिषेक किया। इस कार्यक्रम का आचार्य ज्ञानाधीन जी महाराज ने बताया कि जल चढ़ाने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। खबर देवास से है, जहां गुजरात राज्य की संखेड़ा विधानसभा के विधायक अभय सिंह तड़वी मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर पिछले 7 दिनों से बागली विधानसभा में प्रवासी दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने विधानसभा के सभी मंडल बूथ कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ मिलकर कई बैठकें की और विधानसभा में होने वाले कार्यक्रमों में भी भाग लिया। आपको बता दें कि रविवार दौरे के अंतिम दिन में उन्होंने बागली गेस्ट हाउस में पत्रकारों से चुनाव को लेकर चर्चा भी की। बागली विधानसभा का सभी क्षेत्रों का मैंने दौरा किया है और सबको मिला हूँ, संगठन को मिला हूँ, संगठन के साथ कार्यकर्ताओं के भी मिला हूँ, व्यक्तिगत रूप से मिला हूँ, लाभार्थी भाइयों को मिला हूँ, और सभी किसान मोर्चा को भी मिला हूँ, किसानों को भी मिला हूँ, और सभी अलग अलग रूप से मैंने सब संगठन कैसे बढ़ावा जाए, संगठन की भूमिका क्या है, मोर्चे की भूमिका क्या है, ये सब घूमते घूमते मैंने 9 दिन निकला। मेरा तो अच्छा लगता है, ये विस्तार बहुत अच्छा है। खबर बांदा से है, जहां गांव के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए उनके गांव में अधिग्रहित की जा रही जमीन पर अधिग्रहण न किए जाने की मांग की, जिसको लेकर किसानों का कहना है कि जिस जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है वो 2 फसली है और उपजाऊ भी है, इसका अधिग्रहण किए जाने से किसान पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। इसी के साथ किसानों ने कहा कि सरकार को ऐसी जगह भूमिगत ग्रहण करना चाहिए जहाँ की जमीन बंजर हो और उस जमीन पर अधिग्रहण करने से किसानों को किसी प्रकार की हानि ना पहुंचे। ऐसा है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया के लिए ज़मीन जो है रिकॉर्ड की जा रही है वो पूरी की पूरी सिंचित है। 17 ट्यूबवेल लगे हैं प्राइवेट, 2 ट्यूबवेल लगे हैं सरकारी, बीच में से ब्रांच कैनाल है और उसी में से कई माइनरें निकली हैं। पूरा एरिया जो लिया जा रहा है पूर्ण रूप में सिंचित और 2 फसली है। समस्या हमारी ये है कि हमारा ग्राम की जमीन का अधिग्रहण हो रहा है जो 2 फसली है, तो हम सरकार से प्रार्थना करते हैं, डीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है कि हमारी जमीन का अधिग्रहण न किया जाए क्योंकि हमारी जमीन 2 फसली है। पूर्णतया अभी धान की फसल खड़ी है जिसमें 17 लगभग जो जमीन चिन्हित की गई है लगभग उसमें 17 प्राइवेट ट्यूबवेल हैं, 2 सरकारी ट्यूबवेल हैं, मेन नहर निकली हुई है उससे 2 सब्सिडीज निकली हुई हैं, टोटल सिंचित जमीन है। तो गवर्नमेंट से और दूसरी कंपनी का इंटरव्यू है। खबर देवरिया से है, जहां देवबले सिंह आईटीआई में प्लेसमेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि देवबले सिंह आईटीआई में हर 3 महीने पर प्लेसमेंट होता है जिसमें पढ़ने वाले बच्चों का इंटरव्यू होता है, फिर उनका जॉब में सिलेक्शन कराते हैं। इस बार भी करीब 250 बच्चों ने इसमें भाग लिया जिसमें से 170 बच्चों का सिलेक्शन किया हुआ। जॉब पाकर बच्चों के चेहरों पर काफ़ी खुशी देखी गई और बच्चों ने देवबले सिंह आईटीआई को धन्यवाद दिया। टेक्सन कंपनी का इंटरव्यू है, आज हमारे यहाँ बच्चों का जो है कैंपस सिलेक्शन हुआ है जिसमें लगभग 100 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और बच्चे भी खुश हैं, बच्चे यहाँ के सिलेक्शन से काफ़ी खुश हैं। जिस बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो आप ही के कैंपस के बच्चे हैं? नहीं, अदर विद्यालय के भी, अदर आईटीआई के भी बच्चे हैं, डिप्लोमा के भी बच्चे हैं, राजकीय आईटीआई के भी बच्चे हैं। अभी किस कंपनी का इंटरव्यू? एक्शन कंपनी का चल रहा है। कितने बच्चे इंटरव्यू में आए अभी तक? अभी तक ले हमारे यहाँ 200 बच्चे भाग लिया है जिसमें अभी तक ले जो है 100 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, आने वाले समय में और भी बच्चों को सिलेक्शन कराएंगे। एक्शन कंपनी का कैंपस सिलेक्शन हो रहा है जिसमें लगभग 250 से 300 बच्चे जो है भाग लिए हैं, जिसमें 150 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है और इन लोगों का सैलरी जो है 11,098 रुपया प्रति माह के हिसाब से है, 84 रुपया प्रति घंटा इन लोगों को ओटी दिया जाएगा और 1 टाइम का भोजन और नाश्ता फ्री है, रूम रेंट जो है ये लोग अपने पास से ही भरेंगे। कंपनी के इंटरव्यू चल रहा है अभी
और HRBS कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से इन लोगों का ज्वाइनिंग होगा। खबर मथुरा से है, जहां हिंदू सेना को ब्रज 84 कोश यात्रा में स्थित नलहड़ महादेव पर जलाभिषेक करने से प्रशासन द्वारा रोका गया। आपको बता दें कि सावन माह के आखिरी सोमवार को ब्रज 84 कोश यात्रा में आने वाले नलहड़ महादेव पर हिंदू सेना द्वारा जलाभिषेक करने का आह्वान किया गया, जिसमें हिंदू सेना के 20,000 कार्यकर्ता इकट्ठा होकर हिंदू सेना के संस्थापक संत युवराज के सानिध्य में नुहू मेवात स्थित नलहड़ महादेव पर जलाभिषेक करने के लिए निकल पड़े। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के स्थानीय पुलिस द्वारा संत युवराज आज समेत अनेक कार्यकर्ताओं को धारा 144 लागू होने के कारण जलाभिषेक करने से रोक दिया गया, जिसके कारण हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं में काफी रोष व्याप्त है। वहीं संत युवराज ने प्रेसवार्ता में मुसलमानों पर निशाना साधते हुए कहा कि वहां गौ हत्या प्रचुर मात्रा में हो रही है। आज हम बहुत हताश हैं और बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, क्योंकि हमारा एक विशेष अभियान चल रहा है जो गजवा हिंद की मुसलमानों की जो तैयारी चल रही है वो नहीं होनी चाहिए, और उसके लिए लगभग 40 साल से मैं लड़ रहा हूँ, और आज हमें एक बहुत बड़ा धोखा मिला है, और धोखा ये मिला है कि जहाँ मेवात के अंतर्गत में गजवा हिंद की तैयारी चल रही है वहाँ पर गौ हत्या प्रचुर मात्रा में होती है, और वहाँ पर जितने भी अनैतिक कार्य होते हैं, देश के विरोध में कार्य होते हैं, वहीं पर होते हैं। क्योंकि मैं इस बात को कई बार प्रमाणित कर चुका हूँ कि मुसलमान देश का इसलिए गद्दार है, इसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, उसका प्रमाण जीता जागता पाकिस्तान और बांग्लादेश है। यदि भारत का मुसलमान गद्दार ना होता तो पाकिस्तान और बांग्लादेश अस्तित्व में ना होता। भाई पत्रकार महोदय, हम सभी हिंदूवादी संगठन, आज श्रावण का सोमवार है। खबर मझौलिया से है, जहां जनता दल यूनाइटेड का राज्यव्यापी अभियान ग्राम संसद सद्भाव की बात कार्यक्रम के तहत बैठनिया भनाचक पंचायत में पंचायत अध्यक्ष शिव यादव की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर NN शाही ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी, JP लोहिया, बाबा साहब अम्बेडकर और जननायक कर्पूरी ठाकुर की सोच को आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने समाज सुधार का कार्य भी शुरू किया। लोगों को आगाह कर रहे हैं हम कि जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश हो रही है उसके प्रति सावधान रहना है, और जिस तरह से झूठ का बाजार, झूठ की बरसात हो रही है, उस झूठ को भी समझने की जरूरत है। आप लोगों को क्या मिला है हमको, और क्या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 18 साल 19 साल में दिया है, और क्या हमारी केंद्र की सरकार ने हमारे लिए किया है, ये भी तुलना करने की जरूरत है। आज का बिहार नीतीश कुमार जी की देन है। बिहार हम लोगों को जब मिला था वो बिहार क्या था? सबसे बड़ी समस्या थी यहाँ बेरोजगारी की, क्राइम की, और उस क्राइम को नीतीश कुमार जी ने एक झटके में तोड़ा, और किस तरह से तोड़ा? 5 लाख शिक्षकों की बहाली एक बार हुई थी, और उसके वजह से जितने हमारे युवा थे जो भटक रहे थे उन सब का भटकाव रुक गया, और वो सब मास्टर साहब कहलाने लगे, और इज्जतदार, एक इज्जत, एक प्रतिष्ठा। बांदा से खबर सामने आई है, जहां अंबेडकर पार्क कचहरी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ग्रामीण परंपरा विकास संस्थान चित्रकूट और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन US के सहयोग से बचपन बचाओ आंदोलन कार्यक्रम का संचालन बांदा जिले के 4 ब्लॉक बड़ोखर, खुर्द, महुआ, नरैनी, बिसंडा के 50 गांवों में किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत बाल विवाह, बाल तस्करी, बाल श्रम, बाल यौन शोषण इत्यादि मुद्दों पर कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अभिभावकों को जागरूक कर बच्चों को शिक्षा से जोड़ना और बाल विवाह की रोकथाम करना, यौन शोषण से पीड़ित बच्चों को न्याय दिलाना और सरकारी योजनाओं से जोड़ना का कार्य किया जा रहा है। जो ये बचपन बचाओ आंदोलन है, तो एक बड़ोखर ब्लॉक के 10 ग्राम पंचायतों में ज़्यादातर मैं जागरूकता कार्यक्रम करता हूँ, समुदाय के साथ, बच्चों के साथ, आंगन सरकारी तंत्रों के साथ, या ग्राम पंचायत के लीडरों के साथ, ग्राम पंचायत में जागरूक व्यक्तियों के को लेकर के हम जागरूकता कार्यक्रम, उस जागरूकता कार्यक्रम के तहत पहला हमारा जो मुद्दा है, सबसे बड़ी मुद्दा है कि बालकों को बालकों से मजदूरी करवाना,
और जो बालक मजदूरी करता है वो सारी अन्य गतिविधियों से अलग हो जाता है और उसका जीवन पे और उसकी शैक्षणिक या शारीरिक जो रुकावट पैदा हो जाती है। और जब बच्चा मजदूरी करने जाता है तो मजदूरी करने से ही सारे उसके ऊपर घटनाओं का क्रम जारी हो जाता है। जो बचपन खबर आगरा से है, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से आगरा की दरगाह हजरत सैयदना शाह अमीरा अबूबुल उल्ला अली शरीफ के 384 उर्स के मौके पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष शाहिद खान के नेतृत्व में चादरपोशी की गई और देश प्रदेश में अमन चैन की दुआ मांगी गई। साथ ही साथ प्रियंका गांधी द्वारा भेजे गए शुभकामनाओं के पत्र को भी कमेटी को सौंपा गया, जिसके बाद दरगाह सैयदना की कमेटी के मेंबरों ने प्रियंका गांधी का आभार प्रकट किया। आपको बता दें कि सैयदना शाह दरगाह पर के दौरान हजारों लोग अमन और चैन की दुआ मांगने आते हैं, जिसमें हर जाति वर्ग के लोग शामिल होते हैं। खबर बेतिया के मझौलिया से है, जहां एपीएचसी सरसवा में टीबी केयर और सपोर्ट ग्रुप की मासिक बैठक हुई, जिसे स्वास्थ्य विभाग और केएचपीटी द्वारा आयोजित किया गया। बता दें कि इस बैठक में टीबी मरीज केयर गिवर टीबी चैंपियन चिकित्सा पदाधिकारी एसटीएस आदि शामिल हुए और बैठक में सभी मरीजों से उनके स्वास्थ्य और दवा सेवन की जानकारी ली गई।